हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साई बाबा इन्फोटेक। तो मैं कपिल शर्मा उपस्थित हूँ आपके सामने नया वीडियो लेकर, और यह है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का भाग दो। पार्ट वन यानी कि भाग एक मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है वो पार्ट वन देख लें, क्योंकि मैंने उसमें मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लोक नृत्यों का वर्णन किया हुआ है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बाकी बचे लोक नृत्यों पर आधारित है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने बुंदेलखंड के लोक नृत्य के बारे में चर्चा की थी, और बुंदेलखंड में होने वाले सभी नृत्यों को हमने देख लिया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था राय नृत्य, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है। अब आज बात करेंगे हम बघेलखंड से, बघेलखंड से शुरू करेंगे। तो बघेलखंड के नृत्य की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है बघेलखंड में बिरहा नृत्य। आप देख सकते हैं ये एक बिरहा नृत्य है, और बघेलखंड की लगभग सभी जातियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह विवाह एवं दीपावली के अवसर पर किया जाता है। बिरहा में सामान्यतः पुरुष गीत गाते हैं, और पुरुष गीत गाते हुए तीव्र लय में नृत्य करते हैं, और गीत की जो गायन शैली होती है वो बघेली होती है, मतलब बघेली शैली में गीत गाया जाता है। अगला नृत्य है केहरा नृत्य। केहरा नृत्य बघेलखंड में पर्वों और त्योहारों पर किया जाता है। अब केहरा में स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग शैली में नाचते हैं। पुरुष कहरवा ताल पर नाचते हैं और हाथों के झटकों के साथ पूरी गति से नृत्य करते हैं, और वहीं स्त्रियां जो होती हैं वो कहरा गाते हुए फुरहुरी फुरहुरी है ये मुद्रा का संचालन करती हैं। तो ये था केहरा नृत्य, जो कि बघेलखंड में त्योहारों में मनाया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों अलग अलग शैली में करते हैं, पुरुष कहरवा ताल पर और स्त्रियां कहरा गाते हुए फुरहुरी मुद्रा का संचालन करती हैं। अगला जो नृत्य है वो है दादर नृत्य। दादर नृत्य बघेलखंड में पुरुषों द्वारा किया जाता है, और यह खुशी के अवसर पर किया जाता है। यदि घर में कोई खुशी का अवसर हुआ है तो ऐसे अवसरों पर बघेलखंड में दादर नृत्य किया जाता है। यहां पर क्या होता है कि जो पुरुष होता है वो स्त्री का वेश धारण करके दादर गीत गाते हुए, याद रखिएगा, दादर गीत गाते हुए हाथ पैर एवं कमर की विभिन्न मुद्राओं के साथ नृत्य करते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, दादर नृत्य बघेलखंड का है, पुरुषों द्वारा किया जाता है और स्त्री का वेश धारण करके किया जाता है। अगला नृत्य है बघेलखंड से कलशा नृत्य। कलशा नाम से जन्म आ रहा है कि कलश का उपयोग होता होगा इसमें। तो बघेलखंड में अहिरों एवं गरड़ियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, और मुख्यतः यह बारात की अगवानी में सिर पर कलश रखकर किया जाता है, सिर पर कलश रखकर किया जाता है। अब इस नृत्य में पुरुष या स्त्री सिर पर सात घड़े रखकर शरीर का संतुलन बनाते हुए विभिन्न शारीरिक मुद्राओं का संचालन करते हैं। यहां से आप समझ सकते हैं कि जो यह नृत्य होता है वो कहीं ना कहीं पाद संचालन पर निर्भर करता है, क्योंकि पद का संचालन करने के बाद ही बैलेंस यानी कि संतुलन बनाया जा सकता है। तो यह है कलसा नृत्य। अगला है केमाली नृत्य। इसे बघेलखंड में साजन सजनी नृत्य भी कहते हैं। साजन सजनी नृत्य भी कहते हैं, साधन सजनई नृत्य भी कहते हैं। मुख्यतः यह विवाह के अवसर पर किया जाता है, और जो स्त्री और पुरुष होते हैं वो दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों ही भाग लेते हैं, और जो किमाली गीत होता है उस पर यह नृत्य होता है। अब किमाली गीत में क्या होता है कि जो गीत होता है वो सवाल एवं जवाब की शैली में होता है, मतलब गीत में सवाल किया जाता है और दूसरा जो ग्रुप है वो जवाब की शैली में आंसर देगा, और सवाल जवाब शैली में गाते हुए असाधारण तेजी के साथ यह समूह में नृत्य करते हैं। सामूहिक नृत्य है, समूह में नृत्य करते हैं। सुआ नृत्य। सुआ नृत्य बघेलखंड एवं छत्तीसगढ़ दोनों में होता है। अब बघेलखंड का जो बॉर्डर है वो छत्तीसगढ़ से टच करता है, इसलिए यह दोनों जगह में कॉमन है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र को कवर करता है। तो बघेलखंड और छत्तीसगढ़ दोनों में यह नृत्य किया जाता है। कुंवार का जो महीना होता है और जब खरीफ की फसल पक जाती है, तब
तब यह नृत्य किया जाता है और इसे बोलते हैं सुवा नृत्य। महिलाएं एवं जो किशोरियां होती हैं वो गोलाकार झुंड बना लेती हैं, घेरा बना लेती हैं और ताली बजाते हुए प्रेम गीत गाते हुए एक समूह नृत्य करती हैं। फिर अगला जो नृत्य है वो निमाड़ से है। हमने बुंदेलखंड के नृत्य देख लिए, बघेलखंड का देख लिया, अब आ रहे हैं हम निमाड़ में। अब निमाड़ के नृत्य की बात करें तो पहला जो नृत्य आता है वो आता है काठी नृत्य। काठी नृत्य जो होता है वो देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि तक चलता है। देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि तक चलता है। काठी में क्या होता है कि जो नर्तक होता है वो एक प्रकार का नर्तक का बाना पहनकर, बाना मतलब कपड़ा, एक अलग टाइप का कपड़ा होता है पहनकर, ढाक वाद्य पर समूह शैली में नृत्य करते हैं, ग्रुप में नृत्य करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यह जो पार्वती जी की जो तपस्या है, जो पार्वती जी ने भगवान शिव के लिए जो तपस्या की थी, तो उससे संबंधित जो त्योहार होता है उस पर यह नृत्य मुख्यतः किया जाता है, मतलब कि पार्वती की तपस्या संबंधित मातृ पूजा का त्योहार। अगला नृत्य है फेफारिया नृत्य। यह भी निमाड़ अंचल का नृत्य है और यह मुख्यतः निमाड़ अंचल में विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। यह एक समूह नृत्य है। स्त्री पुरुष जोड़ी बनाकर, स्त्री पुरुष मतलब स्त्री होता है, एक स्त्री होगा एक पुरुष होगा, और वो जोड़े बनाकर गोल गोल घेरा बना लेते हैं और उसमें नाचते हैं। स्त्री पुरुष जो नर्तक होते हैं वो हाथ पैर और कमर की विभिन्न मुद्राओं के साथ नृत्य को धीरे धीरे गति प्रदान करते हैं। हाथ पैर और कमर की विभिन्न मुद्राओं के साथ नृत्य को धीरे धीरे गति प्रदान करते हैं। फिर अगला नृत्य निमाड़ अंचल से आता है मांडल्या नृत्य। क्या है मांडल्या नृत्य? जनरली विवाह पर एवं त्योहार पर जो मांडल्या नृत्य होता है वो खुले आंगन में किया जाता है, खुले आंगन में किया जाता है। यह महिला परक नृत्य है और समूह में किया जाता है, मतलब मांडल्या नृत्य किस संबंधित है? महिलाओं संबंधित है, पुरुष इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और यह समूह में होता है। महिलाएं ढोल की थाप पर गति बदलती हैं और हाथ तथा पैरों की विभिन्न मुद्राओं को प्रदर्शित करती हैं, मतलब जो नृत्य होता है वो ढोल की थाप पर होता है और नृत्य में हाथ और पैरों की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। अगला है आड़ा और खड़ा नृत्य। आड़ा खड़ा नृत्य बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। आड़ा खड़ा नृत्य निमाड़ अंचल का भी है और आड़ा खड़ा नृत्य मालवा अंचल का भी है, लेकिन मालवा अंचल में जो आड़ा खड़ा नृत्य होता है उसे आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य बोलते हैं। वहां पे रजवाड़ी शब्द जुड़ जाता है क्योंकि वहां पे रजवाड़ी साड़ी का उपयोग होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर सिर्फ आड़ा खड़ा नृत्य पूछता है तो ये निमाड़ अंचल का है और अगर आड़ा खड़ा रजवाड़ी पूछता है तो वो मालवा अंचल का है। तो आड़ा खड़ा नृत्य क्या है? जन्म, मुंडन संस्कार और विवाह के अवसर पर नृत्य किया जाता है। दो या चार महिलाएं घूंघट डाले झुक कर, मतलब घूंघट रहता है महिलाओं के ऊपर और वो झुक कर और नृत्य करती हैं, घुटनों को नृत्य गतियों के अनुरूप लय के साथ ऊपर नीचे करती जाती है, मतलब घुटने जो है मूव करते हैं ऊपर नीचे, और सवाल जवाब शैली में यहाँ पे गीत गाए जाते हैं। सवाल जवाब शैली में यह गीत गाए जाते हैं। अगेन सवाल जवाब जवाब वाला फिर से आ गया यहाँ पे। अब अगला जो नृत्य है वो है डंडा नृत्य। याद रखिएगा हम नृत्य देख रहे हैं निमाड़ अंचल का, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और आप बार बार इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश के सभी नृत्य कवर हो जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ नृत्य जो है जो हाईलाइटेड नहीं रहते वो छूट जाते हैं हमसे और आजकल एग्जाम में वही चीजें पूछ लेता है। अच्छा, आप में से मुझे ये बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांच मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश में कांच मंदिर कहां पर है? आपने ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं आपको आंसर बाद में कर दूंगा। निमाड़ अंचल में चैत्र वैशाख की रातों में विशेषकर गणगौर पर्वों पर किसानों द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, विशेषकर गणगौर अवसरों पर किया जाता है और डंडा नृत्य जो है गणगौर अवसर पर किया जाता है। इसके साथ ही आपको एक बात और बता दूं, एक और नृत्य होता है जो कि निमाड़ अंचल में किया जाता है वो है गणगौर नृत्य, और गणगौर नृत्य जो है वो गणगौर पर्व पर ही किया जाता है। ठीक है, एक और नृत्य है
त्योहार के नाम से ही है, गणगौर नृत्य। तो गणगौर नृत्य जो है इस त्योहार, गणगौर त्योहार पर ही किया जाता है, वैसे डंडा नृत्य भी किया जाता है इसी त्योहार पर। तो गणगौर के नाम से भी एक नृत्य है जो कि निमाड़ में ही किया जाता है, जो कि निमाड़ में ही किया जाता है। अब यह जो नृत्य है वो पुरुष परक समूह नृत्य है, पुरुष परक समूह नृत्य है। और यहां पर जो नर्तक होते हैं, दोनों हाथ, उनके दोनों हाथों में एक एक डंडा होता है। नर्तक गोल घेरे में घूमते जाते हैं, गोल घेरा होता है उसमें घूमते जाते हैं, और गति के साथ कभी बैठकर कभी लेटकर डंडे लड़ाए जाते हैं। ठीक है, गति के साथ कभी बैठकर कभी लेटकर डंडे लड़ाए जाते हैं, और साथ ही साथ दोहे भी गाए जाते हैं, साथ ही साथ दोहे भी गाए जाते हैं। मालवांचल के नृत्य, तो मालवांचल के नृत्य में सबसे पहले आता है मटकी नृत्य, बहुत प्रसिद्ध नृत्य है ये मटकी नृत्य। और विभिन्न अवसरों पर, विशेषकर सगाई, विवाह आदि अवसरों पर मालवा के गांव की महिलाएं मटकी नाच करती हैं। मटकी नाच में क्या होता है कि प्रारंभ में एक महिला नाचती है, और फिर उस नृत्य में इतना ज्यादा आवेग आ जाता है कि कई सारी और जो महिलाएं हैं उसमें सम्मिलित हो जाती हैं, और सम्मिलित होकर हाथ और पैरों का कलात्मक संचालन करती हैं। यह एकल नृत्य होता है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं। साथ ही साथ पाद संचालन पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्यों? क्योंकि इससे संतुलन बना रहे, मटकी को बैलेंस करना है सिर पर, तो पाद संचालन पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, जिससे संतुलन, नृत्य के दौरान संतुलन बना रहे। तो ये था मालवांचल का नृत्य। अगला जो मालवा से नृत्य है वो है आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य। इससे पहले हमने आड़ा खड़ा नृत्य देखा है, लेकिन वो निमाड़ का था। निमाड़ और मालवा में एक ही फर्क है कि यहाँ पर आपको रजवाड़ी देखने को मिलेगा। पूरे मालवा अंचल में किया जाता है, विशेषकर विवाह में जो मंडप होता है, मंडप के नीचे यह नृत्य किया जाता है। यह एक महिला परक नृत्य है, फिर से महिला परक नृत्य है, यहाँ पर पुरुषों का कोई काम नहीं है। आड़ा झुककर कहरवा ताल पर किया जाता है, और खड़ा नृत्य खड़े खड़े होकर रजवाड़ी साड़ी साड़ी के पल्लू को पकड़कर किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि जब आड़ा झुककर नाचते हैं तो कहरवा ताल पर नाचते हैं, और जो खड़ा नृत्य होता है वो रजवाड़ी साड़ी के पल्लू को पकड़कर किया जाता है। आदिवासी नृत्य, मालवांचल के नृत्य यहाँ पर समाप्त हुई, अब आते हैं आदिवासी नृत्य पर। तो आदिवासी नृत्य में सबसे प्रसिद्ध नृत्य है कर्मा नृत्य। ये है कर्मा नृत्य, आप देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के पुरुष और महिलाएं यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। कर्मा नृत्य की बात करें तो मुख्यतः ये गोंड और बैगा आदिवासी द्वारा किया जाता है। मंडला के आसपास के क्षेत्रों में गोंड एवं बैगा आदिवासी द्वारा कर्म देवता की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, कर्म देवता की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, इसलिए इसका नाम है कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य। वर्षा ऋतु को छोड़कर प्रायः सभी ऋतु में किया जाता है, मतलब वर्षा ऋतु में नहीं किया जाता है। और यह शुरू कब से होता है? यह शुरू होता है विजयादशमी से, प्रारंभ होता है और अगली वर्षा ऋतु तक चलता रहता है। यहां पर पुरुष और स्त्रियां दोनों ही यहां पर पार्टिसिपेट करती हैं, दोनों ही भाग लेती हैं, और कर्मा गीत गाते हुए लय ताल पद संचलन के साथ विभिन्न मुद्राओं में समूह नृत्य करते हैं। तो ये था आदिवासी नृत्य, जिसमें सबसे पहले आता है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य गोंड एवं बैगा जनजातियों द्वारा होता है, और यह मंडला के आसपास के क्षेत्रों में होता है। वर्षा ऋतु को छोड़कर बाकी सभी ऋतुओं में होता है। शुरू हो जाता है विजयादशमी से और अगली वर्षा ऋतु तक चलता है। वर्षा ऋतु में विश्राम रहता है। पुरुष और स्त्रियां दोनों कर्मा गीत गाते हैं, और लय ताल एवं पद संचलन के साथ विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो आदिवासी नृत्य है वो है परधौनी नृत्य। अब मुख्य रूप से यह जो परधौनी नृत्य है वो मंडला, बालाघाट, खंडवा की बैगा जनजातियों द्वारा विवाह के समय अगवानी के लिए किया जाता है, विवाह के समय किया जाता है। और वर पक्ष की ओर से एक प्रकार का हाथी जो है बनाया जाता है, और प्रसन्नता के व्यक्ति के लिए विभिन्न मुद्राओं में नचाया जाता है, विभिन्न मुद्राओं में नचाया जाता है। अगला आता है दशहरा नृत्य। दशहरा नृत्य, दशहरा नृत्य बालाघाट, खंडवा और मंडला की बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है, और विजयादशमी से समूह नृत्य शैली में लोकगीतों के साथ नृत्य होता है। जो लोकगीत होते हैं, जो फोक सॉन्ग होते हैं, उनके साथ यह नृत्य होता है।
दशानन नाम से क्लियर है कि विजयादशमी के समय किया जाता है और कहाँ किया जाता है, बालाघाट मंडला खंडवा की बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है और विभिन्न प्रकार के लोकगीतों के साथ उसमें नृत्य होता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट भगोरिया नृत्य, काफी पॉपुलर नृत्य है ये, आदिवासियों का नृत्य है ये और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। यह मुख्यतः झाबुआ एवं अलीराजपुर के भील युवक एवं युवतियों द्वारा किया जाता है। ये देखिए, यह है भगोरिया नृत्य, जहां पर देखिए आप देख रहे हैं इनके जो कलर है, रंग लगा हुआ है, मतलब यह होली के अवसर पर मुख्यतः किया जाता है यह जो नृत्य है, और युवक एवं युवतियों द्वारा होली एवं अन्य अवसरों पर किया जाता है। और यह जो नृत्य होता है वो समूह में होता है, नृत्य विविध पदचाप समूहन पाली चक्रीपाली चक्र नृत्य समूह में होता है और चक्र बनाकर होता है तथा पिरामिड बनाकर भी नृत्य मुद्राओं के साथ किया जाता है। अगला नृत्य है अन्य नृत्य, बाकी जो बचेंगे वो नृत्य हम देखेंगे अन्य नृत्य में। तो सबसे पहला आता है फुल्की नृत्य। तो क्या है फुल्की नृत्य, चलिए देखते हैं। साथ ही इस नृत्य की बात करें, और ये फुल्की नहीं, हुल्की नृत्य है, हुल्की नृत्य है, मिसप्रिंट है, हुल्की नृत्य। तो यह जो हुल्की नृत्य है वो मंडला एवं पन्ना के मुरिया आदिवासियों द्वारा लड़की एवं लड़के एवं लड़कियों दोनों के द्वारा किया जाता है। और अगेन यह भी सवाल और जवाब शैली में किया जाता है, मतलब एक जो पक्ष है वो सवाल करता है गीत के फॉर्म में और दूसरा जो पक्ष है वो जवाब देता है गीत के फॉर्म में। और इसी गीत पर, इसी सवाल जवाब शैली के गीत पर यह जो है लड़के और लड़कियों का जो ग्रुप है, जो समूह है, वो नृत्य करता है। अगला जो नृत्य है वो है थापटी नृत्य। थापटी नृत्य मुख्यतः खंडवा में, बुरहानपुर में एवं छिंदवाड़ा में होता है और यह कोरकू आदिवासियों द्वारा चैत्र वैशाख के समय में होता है। और यह स्त्री पुरुष इसमें क्या होता है, सामूहिक रूप से गोलाकार परिक्रमा करते हुए दाएं और बाएं झुक झुक कर नृत्य करते हैं। तो यह है थापटी नृत्य। अगला जो नृत्य है वो है शैला नृत्य। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, जैसे कि जहां पर गूंड करवा आदिवासी जहां पर जिनकी बाहुल्यता ज्यादा है वहां पर यह नृत्य किया जाता है। दशहरे से आरंभ होकर पूरी शरद ऋतु की रातों में आदि देव को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। यह आपसी भाईचारे का प्रतीक है और यह केवल पुरुषों के द्वारा ही यह नृत्य किया जाता है। हाथ में डंडा लेकर गोल घेरा बनाकर गीत गाते हुए समूह में नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य है अटारी नृत्य। यह जो नृत्य है वो बघेलखंड के भूमिया एवं बैगांव द्वारा किया जाता है, पर्व एवं त्योहारों में किया जाता है। और यह जो नृत्य होता है वो वृत्ताकार होता है, मतलब वृत्त के फॉर्म में नृत्य होता है। और होता यह है कि इसमें जो पुरुष होते हैं, एक पुरुष के कंधे पर दो आदमी, मतलब एक पुरुष होता है, एक पुरुष के कंधे पर दो आदमी आरूढ़ हो जाते हैं, एक व्यक्ति ताली बजाते हुए भीतर बाहर जाते हुए नृत्य करता है। ठीक है, तो यह था अटारी नृत्य। अगला नृत्य देखते हैं। अगला जो नृत्य है वो है ढांडल नृत्य। ढांडल नृत्य मुख्यतः खंडवा, बैतूल और देवास में कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है। ज्येष्ठ एवं आषाढ़ की रातों के शुभ अवसर पर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि समूह नृत्य करते हुए एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडे से प्रहार किया जाता है। समूह नृत्य होता है और समूह नृत्य में क्या होता है कि एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडे से प्रहार किया जाता है। भंगम नृत्य। भंगम नृत्य जो है वो छिंदवाड़ा एवं जबलपुर के भारिया आदिवासियों द्वारा किया जाता है और मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। और अंत में आता है सैतम नृत्य। सैतम नृत्य भी छिंदवाड़ा एवं जबलपुर की भारिया आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है। मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे जो युवतियां होती हैं वो हाथों में मंजीरा लेकर दो दल बनाती हैं और झुक झुक कर नृत्य करती हैं। तो यह था मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पहले स्लाइड से, और ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, आपको याद हो जाए।
तो जो पहला नृत्य था वो था बघेलखंड का, माफ कीजिएगा ये बघेलखंड है। तो बघेलखंड में पहला नृत्य आता है बिरहा नृत्य, जो कि लगभग सभी जाति द्वारा बघेलखंड में किया जाता है, दीपावली और विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला जो है वो है कैरा नृत्य, यह भी बघेलखंड में पर्वों और त्योहारों पर किया जाता है, और यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। पुरुष कहलवा तार पर नाचते हैं और जो स्त्रियां होती हैं वो कहरा गाते हुए फुरहुरी मुद्रा का संचालन करती हैं। फिर बात करें दादन नृत्य की, तो बघेलखंड में अधिकतर पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये खुशी के अवसर पर किया जाता है। यहाँ पर पुरुष स्त्री का वेश धारण करते हैं और दादर गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। फिर अगला है कलसा नृत्य, कलसा यानी कलश, तो अहिरो एवं गरणियों द्वारा बघेलखंड में किया जाता है और बारात की अगवानी के समय किया जाता है। यहाँ पर पुरुष और स्त्री दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और यह अपने सिर पर 7 घड़े रखकर शरीर का संतुलन बनाते हुए नृत्य करते हैं। फिर आता है किमाली नृत्य, जिसे साजन सजनी नृत्य भी कहते हैं बघेलखंड में। यह मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है और किमाली गीत गाया जाता है इसमें, वो भी सवाल और जवाब के फॉर्म में। अगला आता है सुवा नृत्य, जो कि बघेलखंड एवं छत्तीसगढ़ दोनों में किया जाता है। यह कुंवार महीने में खरीफ की फसल पकने पर किया जाता है। यह जो नृत्य होता है उसमें महिलाएं और किशोरियां पार्टिसिपेट करती हैं। फिर निमाड़ अंचल की बात करें, तो निमाड़ अंचल में सबसे पहले तो बात करें, एक जो मुख्य जो नृत्य है वो गरगौर नृत्य है और गरगौर पर किया जाता है ये। फिर काठी नृत्य है, देव प्रबोधिनी एकादशी से शुरू होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है, और यहाँ पर यह जो नृत्य है वो पार्वती जी की तपस्या संबंधित है। अगला जो नृत्य है वो है फिफारिया नृत्य। फिफारिया नृत्य निमाड़ अंचल में किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, और यह एक समूह नृत्य होता है जिसमें स्त्री और पुरुष जोड़े बनाकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। अगला है मांडल्या नृत्य, विवाह और त्योहार के अवसरों पर किया जाता है, खुले आंगन में किया जाता है, और यह महिला परख, याद रखिएगा महिला परख समूह नृत्य है ये। फिर आड़ा खड़ा नृत्य, यह जन मुंडन मुंडन संस्कार के अवसर पर किया जाता है और सवाल जवाब शैली में यह नृत्य किया जाता है। फिर डंडा नृत्य, डंडा नृत्य जनरली पुरुषों का नृत्य है, समूह नृत्य है, और यह जो है चैत्र वैशाख की रातों में विशेषकर गणगौर के पर्व पर किसानों द्वारा किया जाता है। फिर बात करें मालवा अंचल की, तो यह मालवा अंचल में सबसे पहले आता है मटकी नृत्य, जिसमें प्रारंभिक महिला जो है नाचती है और फिर उसके बाद कई महिलाएं उसको ज्वाइन कर लेती हैं। यहाँ पर संतुलन बनाने के लिए पद संचालन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर आड़ा खड़ा रजवाड़ा नृत्य, जिसमें आड़ा जो है जब नृत्य किया जाता है तो कहलवा ताल पर किया जाता है, और जब खड़ा नृत्य किया जाता है तो रजवाड़ी साड़ी के पल्लू को पकड़ कर किया जाता है। फिर आदिवासी नृत्य में सबसे पहले आता है कर्म नृत्य, कर्म देवता की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, गोंड एवं बैगा जनजातियों द्वारा किया जाता है मंडला के आसपास क्षेत्रों में। फिर अगला है परधौनी नृत्य, जो कि मुख्यतः बारात की अगवानी के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से मंडला बालाघाट और खंडवा के बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। अगला आता है दशहरा नृत्य, दशहरा नृत्य भी बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है और यह बालाघाट मंडला और खंडवा के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। अगला भगोरिया नृत्य, बहुत ही पॉपुलर है यह भगोरिया नृत्य, जो कि होली एवं अन्य अवसरों पर किया जाता है, झाबुआ एवं अलीराजपुर प्रमुख क्षेत्र है इसके। फिर अन्य नृत्य में सबसे पहले आता है हुलकी नृत्य, यहाँ पर ये फुलकी नहीं, ये हुलकी नृत्य है, मंडला एवं पन्ना की मुरिया आदिवासियों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बात करें थापड़ी नृत्य की, तो यह भी खंडवा एवं बुरहानपुर में ही किया जाता है, छिंदवाड़ा में भी कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है। फिर आता है शैला नृत्य, शैला नृत्य मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जहां पर विशेषकर गोंड कर्मा आदिवासी मिलते हैं, वहां किया जाता है नृत्य, और दशहरे में किया जाता है नृत्य आदिदेव को प्रसन्न करने के लिए। फिर अगला नृत्य आता है अटारी नृत्य, जो कि बघेलखंड में भूमिया एवं बैगांव द्वारा पर्वों और त्योहारों में किया जाता है। फिर ढाडल नृत्य, जो कि खंडवा बैतूल एवं देवास में कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है, भंगम नृत्य भारी आदिवासियों द्वारा किया जाता है, और सैतम नृत्य जो है वो भी भारी आदिवासियों द्वारा छिंदवाड़ा एवं जबलपुर के क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो एमपीजीके का, लोक नृत्य यहाँ पे समाप्त होता है। जल्दी मैं लोक गायन और लोक नाट्य के साथ उपस्थित होऊंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।